गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम BSTCS सेकेंड ईयर विषय विज्ञान यूनिट सेकंड विज्ञान की शिक्षा शास्त्र संबंधित मुद्दे के अंतर्गत विज्ञान की शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम आज वैज्ञानिक वृद्धि से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। हमने कल तक एक अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वैज्ञानिक विधि से अपने अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ऐसी विधि या प्रक्रिया जिसे विज्ञान के अन्वेषण में वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं वैज्ञानिक विधि कहलाती है। मूलतः वैज्ञानिक विधि समस्या समाधान विधि है। दूसरे शब्दों में तर्क संगत चरणों या पदों का अनुसरण कर वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं का निराकरण करने की विधि को ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता शिक्षक विज्ञान शिक्षण को ही वैज्ञानिक विधि मानते हैं। विज्ञान की पाठ्य वस्तु प्रयोगशाला अभ्यास कार्य तथा समस्यात्मक प्रश्नों को शिक्षक पढ़कर शिक्षण करा देते हैं अथवा छात्रों को चिंतन मनन करने के लिए अवसर नहीं देते हैं, जिससे उनमें विज्ञान शिक्षण की प्रविधि या विधि को समझने का अभाव रहता है तथा शिक्षार्थी विचार और क्रिया से वैज्ञानिक होने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता शिक्षक विज्ञान शिक्षण को ही वैज्ञानिक विधि मानते हैं। विज्ञान की पाठ्य वस्तु प्रयोगशाला और अभ्यास कार्य तथा समस्यात्मक प्रश्नों को शिक्षक पढ़कर शिक्षण करा देते हैं अथवा छात्रों को चिंतन मनन करने के लिए अवसर नहीं देते हैं, जिससे उनमें विज्ञान शिक्षण की प्रविधि या विधि को समझने का अभाव रहता है तथा शिक्षार्थी विचार और क्रिया से वैज्ञानिक होने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो पाता है। छात्र की कुछ योग्यताओं कौशलों एवं अभिव्यक्तियों की उपलब्धि के फलस्वरूप वैज्ञानिक विधि में चिंतन तर्क और निष्कर्ष समाहित है। शिक्षक को छात्रों द्वारा उन समस्याओं के हल ढूंढने में सहायता देनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की अपेक्षित परिस्थितियों में ऐसी क्रियाएं, प्रवृत्तियां सुझाएं जिनसे वे आसानी से समस्याओं के हल प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों की कुछ योग्यताओं कौशलों एवं अभिवृत्तियों की उपलब्धियों के फलस्वरूप वैज्ञानिक विधि में चिंतन तर्क और निष्कर्ष समाहित हैं। शिक्षक को छात्रों तक उन समस्याओं के हल ढूंढने में सहायता देनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की अपेक्षित परिस्थितियों में ऐसी क्रियाएं, प्रवृत्तियां सुझाएं जिनसे वे आसानी से समस्याओं का हल प्राप्त कर लेते हैं। आज इतना ही। कल हम वैज्ञानिक विधि के आवश्यक चरण या सोपान के बारे में अध्ययन करेंगे। आप घर पर रहें, सेफ रहें। नमस्ते।